जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे ओडिशा का एक ऊटी, मतलब ओडिशा में एक जगह है जो कि ऊटी जैसा दिखता है भाई। इतना अच्छा जगह तो मैं कभी देखा नहीं था हम लोग को ओडिशा में, तो मैं भी होगा मैं गया नहीं रहूँगा, तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, अभी तो फिलहाल हम लोग जिम के लिए निकल रहे हैं, जिम से आने के बाद निकलेंगे वहाँ पे। चलिए बाय बाय, ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है। जिम करे झाड़ भर, फ्लेक्स करे रात भर, जिम करो झाड़ भर, प्रोटीन शेक पियो रात भर, मजा आ गया। और ये हम लोग निकल पड़ते हैं। हर ग्रुप में एक ऐसा चूतिया होता है जिसको आधे घंटे से कॉल करो कि निकल, लेकिन उसको हगने बैठना रहता है, उसके घर के नीचे आके बैठे हैं और ये हगने गया था। कितना होगा भाई, कितना किलो होगा? दो लेंटी। निकलते हैं और एक भाई बस बाकी है, उसको रास्ते में पिक करके निकलते हैं। और ये रही हमारी आखिरी भाई, बिल्ला भाई। आप सोच रहे होगे कि मेरे दोस्त कहाँ गए, वो भड़वे खा रहे हैं गुपचुप, पर मैं भाई जिम फ्रीक हूँ, मैं नहीं खाऊंगा गुपचुप। हाय बोल बे छपरी भड़वे साले। तो भाई लोग कितना का गुपचुप खाए? 10 का। जा अबे भाई साला, आधा घंटा गुपचुप खाया वहाँ पे। अबे कितना भीड़ है दिखा उधर, कितना भीड़ है तो दिखा। 60 का गुपचुप खाए हैं लोग, कितना भीड़ है दिखा। ये भीड़ अभी हुआ है भाई, कितना मिलेगा क्या भाई साहब? 60 का गुपचुप जिम से आके भाई लोग एसी गुपचुप खा रहे, एसी ड्राइवर गाड़ी चला, जल्दी जल्दी भाई। एसी तो नहीं लगेगा भाई, पेट्रोल बचाएंगे हम लोग, पेट्रोल भर ले पहले। भाई साहब रिफ्लेक्स देख रहे हो भाई, पबजी प्लेयर का। मैं ये गाड़ी में पेट्रोल फुल कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा छोटा मोटा 1000-2000 का तेल नहीं भरता हूँ, मैं हमेशा पेट्रोल फुल करके निकलता हूँ। साले दिल ने 600 रुपए का भरा है यहाँ पे। क्या 600 रुपए का भरा है? नहीं नहीं, मैं अकेले भर रहा हूँ गाइस, 6000 रुपए का तेल भर रहा हूँ। ड्राइवर रखे फिट भारत, क्या ही मजा आता है, गाड़ी ज्यादा नहीं चलाओ। मजाक कर रहे गाइस, गरीब लोग हैं, मजाक करते हैं, करने देता हूँ मैं लोग। चलिए गाइस मिलते हैं, ये हम लोग आ गए हम लोग का डेस्टिनेशन पे। पूरे देख कितने लोग, पहला पहला कुछ कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है मेरे को, गलत गलत सोच रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। टोपे भी कितने लोग हैं देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे लिटरली मेरा दोस्त एक हगने आता था, ठीक है, उसका घर पास में है, वो बोलता है भाई मैं यहाँ पे हगने आता था, पता नहीं इतना फेमस कैसे हो गया, इतने सारे लोग आने लगे कि उसका हगना बंद हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आते ही फोटो शूट स्टार्ट हो गया है, ये देखो इसका एक तो सस्ता शाहरुख खान, बाकी जगह काफ़ी ही सही है, मज़ा आ गया देख के। देखो थोड़ा आप सिनेमेटिक व्यू थोड़ा देख लो, यू यहाँ पर आइसक्रीम ठेला भी खुल गया, मेवाड़ फ्रेम भी खुल, भाई गाड़ी कैसे ऊपर लाया भाई? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ हाँ हाँ। बाकी भाई जगह भाई काफ़ी सही जगह है भाई, मैं काला हूँ तो काला ही आऊँगा ना। और क्या बोल रहा था, हाँ वहाँ पे लास्ट में भी जाना है, देखिए क्या है, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, वहाँ शायद और अच्छा व्यू आएगा। चलते हैं उधर और आपको दिखाता हूँ, और एक आइलैंड है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वो सामने वाला आइलैंड, वहाँ पर कोई आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये टोपे में भाई भीड़ ही भीड़ है, वहाँ भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, इसका हर एक फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कैसा लग रहा है। खोरा लेगी भाई ढापी ही जोशु, बस 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 डिंपल, दांत तो पूरा टेढ़े मेढ़े दांत को पूरा एक्सप्लोर कर देना है। हम लोग यहाँ पे आए के धूप हो गया, हम लोग पनौती हैं या क्या, समझ नहीं आ रहा, देखते हैं वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे भाई। क्या अंकल बढ़िया, यहाँ पे कितना कमाई हो जाता है उड़िया में? अभी तो नहीं हुआ इतना, हाँ 2-3 दिन लगाए हुए हैं। हाँ डेली भीड़ हो रहा है यहाँ पे? डेली 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 हो रहा है, देख सकते हो जगह में बहुत ज़्यादा शाम के, मतलब आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम डेली यहाँ पे भीड़ हो जा रहा है, पहले तो इतना भीड़ नहीं होता था ना, अभी कौन एक महीना तो एक महीना ही हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जा रहा है।
चलिए अच्छी बात है, हम लोग उड़ीसा भी एक्सप्लोर हो रहा है। हाँ, और क्या चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो, यहाँ पे ब्लैक होल चैलेंज स्टार्ट कर दे क्या? नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा ब्लैक होल चैलेंज का 95 वाला दिन। वो सही है, तो ब्लैक होल ट्रेनिंग ना कर्मा, ब्लैक होल नहीं काला गड्ढा, काला छेद ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे, काला गड्ढा। चलिए अभी चलते हैं वो पहाड़ पे। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक ठो एनाकोंडा मिला है, जाने दे रहे हम लोग एनाकोंडा को, आज नहीं पकड़ेंगे। योंग गाय ना भाई, ना मोमोज ठेला स्टार्ट को ले कहता है हवा है बोल चलवा, तो मिलियनर इन डे 5 फॉर बिकमिंग मिलियनर। क्या बोल दो, यहाँ पे मोमोज ठेला खोल दो क्या? बहुत भयानक चलेगा यहाँ पे, बहुत भयानक भाई। एक मोमोज ठेला, एक गुपचुप ठेला। ओ भाई कोई बात नहीं दोस्त, काया चलेगा। हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर में, थोड़ा हक के आएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का छोटा ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, टोपे पे जा रहे हैं। ओह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटी, यहाँ से कूदने में क्या ही मजा आएगा। यहाँ से कूद जाऊँ क्या गाइस, जिंदगी के सारे दुख एक पल में खत्म। गाइस अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ऑक्सीजन मास्क लेकर आइए, ऊपर में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अबे पागल है क्या, मैन नेवर गाना कसम में थोकवार की इंग्लिश थी टायर्ड। वो तो दौड़ के आ रहा है भाई, माँ घेरे टफ तो था ऊपर आना लेकिन मजा आया। ये अच्छा खासा बेस वार्म, आज लेग मारना इतने कंधा लग जीता। आज हम लोगों का प्लान था लेग मारने का लेकिन चेस्ट मार के आ गए, क्योंकि हम लोग था वहाँ पे जाके फटेगा हम लोग का। द व्यू इज वर्थ ऑफ एवरी पेनी। दौड़ के आवे, पानी वानी भी नहीं लाया तो क्या हो बेरी। व्हाट अ ब्यूटी, मेरा सेल्फी भी अच्छा है। अभी आधा घंटा फोटो उठा यहाँ पे सबकी, अभी निकलते हैं। अगर यहाँ से उतरते टाइम मेरा देहांत हो जाता है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल का वारिस सुदीप को देता हूँ, सिड को देता हूँ। बस यहाँ पे उतरते टाइम ही ज़्यादा स्किल लगता है तो आराम से उतरिएगा। जस्ट बोला कि भाई एक भाई फिसल गया, आराम से उतरिए। भगवान माफ करना। ये देखो गाइस मेरा मरने के बाद मेरा चैनल लेने का बात कर रहे हैं लोग। ये मम्मी भाई मैं भी गिर गया था अभी। अभी सबको फट रहा है ऐसे। बताओ फाइनली मौत का घाटी से उतर गया भाई, लिटरली जब भी उतरोगे आराम से उतरिएगा। और ये देखो यहाँ पे छपरी राइडर्स भी आए हुए हैं, घे 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 कर रहे तब से। इसीलिए मैं अपना KTM भेज दिया, और कोई रीजन नहीं था। घे 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 चले, KTM का नाम बर्बाद करके रखते हैं। फाइनली उतर गए, अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इस वाले जगह पे, इस जगह पे। चलिए कार लेके आते, इतना तो मेरा चलने का पेशेंस नहीं है। भाई मेरे में नहीं है भाई इतना पेशेंस।
अरे हट जा रे भैया, उड़ा दूंगा भाई। एसी क्यों नहीं चल रहा? चलाए नहीं हूँ। घाटी देखो, मौत का घाटी। हमारे मम्मी पापा जानते हैं। तुम लोग इधर आए हो? ये ग्रीप अच्छे ही ना, पूरा फिसलन नहीं ना। अरे मौत का गाड़ी भाई, मौत का कुआं में चलाता था गाड़ी में। यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने के लिए मना किए हैं, देख सकते हो यहाँ पे पत्थर रख दिए, इसीलिए हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनका, इसीलिए हम लोग गाड़ी नहीं चढ़ाए, हम लोग गाड़ी को वहाँ पे रख दिए। टेढ़ा को ना चढ़ा देता, सब चढ़ी सी भाई। यहाँ पे लगता है बाइकर्स कम्युनिटी लोग आए हुए हैं बहुत सारे। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो पूरा बाइकर्स कम्युनिटी सब भरे पड़े हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू ही है, थोड़ा डिफरेंट है। देख सकते हो हमारा ओजी सीट यहाँ पे बैठ के नेचर के मज़े ले रहा है। इसका तो सिनेमैटिक बना देता हूँ। देखो यहाँ पे ये गया था, वहाँ पे हगने के लिए गया था, हग के आ जा रहा है। गोपाल होगी गंजी दिलू, बढ़िया लगला, हग मुद के आ गया गाइस। यही लोग यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं नेचर को। बर्बाद करने दे, पानी दे दिला। पानी दे दिया। और ये देखो यहाँ पे सेल्फी क्वीन, काम ना धंधा सेल्फी गाली लेते रहते हो भाई। ओ हो 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 हो, मुंह देखो, मुंह देखो इसका कैसा बना रही है, मुंह देखो। ये देखो मेरे साथ सेल्फी लेके ये फेम गेन करना चाहती है क्या? हैं क्या बोली, क्या बोली? एक लात मारूंगा ना साली, घुस जाएगी उधर, समझी। एक लास्ट क्लिप देख लीजिए, आसमान क्या ही सुंदर दिखता है यार। एक सेकंड से ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, क्या ही सुंदर दिख रहा है। ये देखो इसका सेल्फी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बता। आज मेरा ज़िंदगी का एक सपना पूरा हो गया, ये डांस वीडियो एल्बम मेरे को देखना था और आज मैं वो देख चुका हूँ। मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रीम कम्प्लीट हो रहा है। हो गया गाइस, काफ़ी अच्छा जगह है, मैं रिकमेंड करूँगा। इसका नाम है डुंगलाई जगह, कुतरा के अंदर। हाँ क्या क्या? डुंगलाई पहाड़, नोवाड़ी डज इट बेटर। डुंगलाई पहाड़, नोवाड़ी डज इट बेटर। और मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। अगर बस थोड़ा सा संभल के आइएगा, थोड़ा मतलब घाटी वाटी में थोड़ा सा पैर स्लिप होता है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। हम लोग तो सब दो दो बार गिरे, मतलब स्लिप किए होंगे, तो ऑक्सीजन मास्क लगा नहीं आने से भी चलेगा। बाकी अच्छा शूज़ वूज पहन के आइएगा, ऑलवेज बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इस ब्लॉग पे। जय श्री राम।